स्वागत है बच्चों जीटी चैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट मैथ्स 7 चैप्टर अंडरस्टैंड एंड राइट 1। यानी कि आपको बोला गया है समझो और लिखो। तो किसको लिखने बोला है? तो आपको 1 लिखने बोला है। 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है सिर्फ एक, यानी कि वो एक ही होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे लड़की कितनी है, तो लड़की भी एक सिर्फ 1 दिख रही है। फिर यहाँ पे जो बॉय है, बॉय भी कितना है, वो भी सिर्फ 1 है। 1 यानी कि क्या? सिंगल, यानी कि सिर्फ एक है। क्या यहाँ पे हमें 2 लड़की दिख रही है? 2 लड़की नहीं दिख रही है, तो ये क्या है? सिर्फ 1 है। 1 को हम लोग कैसे बोलेंगे? तो 1 को हम लोग बोलते हैं O-N-E। O-N-E क्या होता है? O-N-E होता है 1। 1 मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है एक। फिर अगर हम यहाँ पे एक टेडी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे टेडी बियर दिख रहा है। तो टेडी बियर हमें कितने दिख रहे हैं? सिर्फ एक दिख रहा है। एक दिख रहा है मतलब कि क्या हुआ? एक दिख रहा है मतलब कि कितना है? सिर्फ 1 है। और फिर यहाँ पे जो एप्पल है, पूरे स्क्रीन पे हमें और एप्पल्स नहीं दिख रहे, तो ये क्या, ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ एक। 1 एप्पल, यानी कि सिर्फ एक एप्पल है। फिर यहाँ पे हमें कार दिख रही है। कार कौन से कलर की है? हमें एक ब्लू कलर की कार दिख रही है। तो यहाँ पे कार, और भी कुछ कार दिख रही है? नहीं। तो ये कितनी है? ये सिर्फ 1 है, यानी कि सिर्फ एक कार है। एक कार है यानी कि क्या मतलब हुआ? सिर्फ 1 कार है। फिर यहाँ पे हमें एक मंकी दिख रहा है। मंकी भी कितना है? मंकी भी सिर्फ एक है, सिंगल है, यानी कि 1 है। तो ये भी क्या हो गया? ये भी 1 हो गया। वैसे ही आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे 1 दिखाया गया है। फिर आपको बताया गया है कि 1 क्या होता है। जैसे कि सन, सन यानी कि सूरज, जो हम लोग स्काई में देखते हैं, स्काई में जो सन रहता है वो कितना रहता है? सिर्फ एक रहता है। एक रहता है यानी कि क्या हुआ? 1 हुआ। फिर एरोप्लेन, यहाँ पे हमें कितने एरोप्लेन दिख रहे हैं? सिर्फ 1 दिख रहा है। एरोप्लेन तो हम लोग स्काई में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है? हम यहाँ पे हमें सिर्फ एक दिख रहा है। एक दिख रहा है यानी कि सिर्फ 1 दिख रहा है। फिर आपको यहाँ पे बोला गया है ड्रॉ 1 ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे सन दिया है, सिर्फ 1 सन दिया है। यहाँ पे एक एरोप्लेन दिया है, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक कोई चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद है आप वो बना सकते हो। अगर आपको फ्लावर पसंद है तो आप फ्लावर बना सकते हो। आपको स्टार पसंद है, आप स्टार बना सकते हो। आप यहाँ पे एप्पल भी बना सकते हो, कार भी बना सकते हो। तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे एक स्टार बना दूँगी। तो मैंने कितना बनाया? सिर्फ एक स्टार बनाया, यानी कि 1 स्टार बनाया। तो यही क्या होता है? हमारा 1 होता है। फिर यहाँ पे आपको 1 की स्पेलिंग दी गई है। हमने स्टार्टिंग में ही 1 की स्पेलिंग पढ़ी थी। 1 की स्पेलिंग क्या होती है? 1 की स्पेलिंग होती है O-N-E, O-N-E, O-N-E क्या होता है? O-N-E होता है 1। और 1 को हम लोग लिखते कैसे? तो 1 को हम कैसे लिखेंगे? पहले एक ऐसी लाइन निकालेंगे, फिर एक नीचे लाइन देंगे, और ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा 1 ऐसे बन जाएगा। तो 1 को आप कैसे बनाओगे? पहले एक ऐसी लाइन दो बनाओगे, फिर ऐसी लाइन बनाओगे, फिर नीचे भी उसके क्या दे दोगे? एक लाइन बना दोगे। तो ऐसे क्या बन जाएगा? आपका 1 बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो फिंगर है, हमारे पास टोटल कितनी फिंगर होती है? 5 फिंगर होते हैं अगर हम लोग काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर मैं 4 फिंगर को बंद कर दूँ तो कितने फिंगर बची? यहाँ पे सिर्फ 1 बची, यानी कि एक बची। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको क्या? 1 फिंगर दिखाया गया। और क्या लिखा है उसके ऊपर? O-N-E। तो O-N-E क्या होता था? O-N-E होता था हमारा 1। फिर आपको नीचे बताया गया है पैरेट हैज बीक 1, कम ऑन लेट्स हैव फन। यानी कि पैरेट के पास क्या? बीक यानी कि क्या होता है? चोच। जो पैरेट के मुंह पे ऐसा लाल कलर का रहता है ना, वो क्या होता है? उसका बीक होता है। तो वही बोला है कि जो पैरेट होता है, पैरेट के पास चोच कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। कम ऑन लेट्स हैव फन, यानी कि चलो हम लोग मस्ती करते हैं, यानी कि हमें हमें जो मज़ा आएगा 1 पढ़ने के बाद वो हम लोग देखते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिखा 1 में? 1 में हमें दिखा एक सन, एरोप्लेन। फिर आपको बोला गया है कि आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाओ। तो आपको जो भी पसंद रहेगा आप क्या करोगे? उसको बना दोगे। जैसे कि मैंने एक स्टार बना दिया, तो आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो। आप यहाँ पे फ्लावर बना दो, पैरेट बना दो, आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हो। आप यहाँ पे टेडी बियर भी बना सकते हो। फिर आपको 1 की स्पेलिंग बताई गई थी। तो 1 की स्पेलिंग क्या थी? 1 की स्पेलिंग थी O-N-E 1, यानी कि O-N-E क्या हुआ? 1 हुआ। और 1 का ही मतलब क्या होता है? 1 का मतलब होता है एक। फिर आपको यहाँ पे 1 फिंगर दिखाई गई है। 1 फिंगर यानी कि एक फिंगर। फिर आगे क्या बोला गया है आपको? आगे बोला गया है ड्रॉ 1 क्लाउड
एंड कलर इट, ड्रॉ वन स्टार एंड कलर इट, यानी कि आपको पहले बोला है सिर्फ वन क्लाउड बनाने के लिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पे एक क्लाउड बना दोगे, जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है वैसे क्या करोगे यहाँ पे एक क्लाउड बनाओगे, और फिर आपको क्या करना है इसको कलर करना है। आप क्या करते हो ऐसे क्लाउड बनाओगे और फिर क्या कर दोगे उसको कलर कर दोगे। और यहाँ पे सिर्फ क्लाउड बनाने बोला है, तो ये नीचे आप क्लाउड के नीचे क्या बनाओगे, सिर्फ क्लाउड बनाओगे। और क्लाउड कहाँ देखते हम लोग, क्लाउड तो हम लोग स्काई में देखते ही हैं, यानी कि बादल। और उसको आप कौन सा कलर कर दोगे, तो उसको आपको ब्लू कलर करना है, ब्लू यानी कि नीला कलर करना है। फिर नेक्स्ट आपको बोला गया स्टार बनाने को, और स्टार को कौन सा कलर करने बोला है, तो स्टार को आपको बोला है येलो कलर करने को। तो पहले आप क्या करोगे, पहले क्लाउड बनाओगे, यानी कि सिर्फ वन क्लाउड बनाओगे, क्योंकि आप अभी क्या पढ़ रहे हो, आप अभी सिर्फ वन के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप अभी क्या बनाओगे, अभी सिर्फ आप वन बनाओगे। तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे यहाँ पे एक क्लाउड बन गया। वैसे ही नेक्स्ट आपको क्या बनाने बोला है, नेक्स्ट आपको बनाने बोला है एक स्टार बनाना है, तो आप क्या करोगे पहले एक स्टार बना दोगे, तो जैसे यहाँ पे दिया गया वैसे एक स्टार बना दो। जैसे आपने यहाँ पे स्टार बना दिया, फिर स्टार के अंदर आपको कौन सा कलर करने बोला है, तो स्टार के अंदर आपको येलो कलर करने बोला है, तो आप क्या कर दोगे स्टार के अंदर येलो कलर से भर दोगे, येलो कलर फिल कर दोगे। जैसे क्लाउड में आपको ब्लू कलर बोला था, और स्टार में कौन सा कलर बोला है, स्टार में आपको येलो कलर बोला है, तो आप क्या करोगे पहले स्टार बनाओगे और फिर उसके अंदर येलो कलर से कलर कर दोगे। जैसे कि ये हो गया, तो हमें क्या दो चीज़ बनाने बोला था, हमें दो चीज़ बनाने बोला था, पहले बोला था हमें क्लाउड, फिर हमें क्या बोला था एक स्टार बोला था, तो हमने स्टार भी बना दिया और क्लाउड भी बना दिया। तो ऐसे ही आप भी क्या करोगे, आप भी स्टार बनाओगे क्लाउड बनाओगे और फिर क्या करोगे उसको कलर कर दोगे। पहला क्या था क्लाउड, और क्लाउड में क्लाउड यानी कि क्या होता है, क्लाउड यानी कि बादल होता है, और उसको आपको कौन सा कलर करना था, तो उसको आपको ब्लू कलर करना था। फिर आपको बोला था स्टार बनाने के लिए, और स्टार स्टार को फिर कौन सा कलर करना था आपको, स्टार को आपको कलर करना था येल्लो। पहले आप क्या करोगे, पहले एक स्टार बना दोगे और फिर उसको येल्लो कलर कर दोगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या बोला है, नेक्स्ट आपको बोला गया है यहाँ पे आपको वन लिखने वन लिखना है, यानी आपको सिखाया है कि वन लिखते कैसे। तो जैसे कि ये पहले डॉट दिया है, पहले आपको क्या करना है ऐसे छोटा सा बनाना है, फिर इसको नीचे लेना है, फिर ऐसे कर देना है, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका वन। फिर नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करती रहनी है, फिर यहाँ पर आप ऐसे करोगे क्या बन जाएगा आपका, वन बन जाएगा। पहले आप क्या करोगे, पहले एक ऐसी टेढ़ी लाइन बनाओगे, इसके बाद एक लाइन ऐसे नीचे बनाओगे यानी ऊपर से नीचे तक, फिर एक लाइन आप ऐसे बनाओगे, तो क्या बन जाएगा आपका, वन बन जाएगा। और वन की स्पेलिंग क्या देखी थी हमने, तो वन की स्पेलिंग हमने देखा था ओ एन ई, ओ एन ई क्या होता था हमारा, वन होता था। फिर आपको जितने भी यहाँ पे दिए आप क्या कर दोगे, वैसे ही वैसे वन बना दोगे। पहले आप ऊपर प्रैक्टिस करोगे कि कैसे बनाते, ये कर लिया, फिर यहाँ पे आप पहले एक ऐसी टेढ़ी डंडी, फिर ऐसे नीचे सोया हो, तो ऐसे क्या बना दोगे आप, ऐसे वन बना दोगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे वन बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही में आपको क्या करना है, वन की स्पेलिंग भी लर्न करनी है। तो वन की स्पेलिंग क्या होती है, वन की स्पेलिंग होती है ओ एन ई, ओ एन ई वन। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, ये क्या है आपके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि वन क्या होता है। फिर हमें यहाँ पे वन एप्पल दिख रहा है, सिर्फ एक एप्पल दिख रहा है यानी कि वन, फिर यहाँ पे हमें वन बोला गया, तो वन हम कैसे बनाते थे, ऐसे टेढ़ा, फिर नीचे सीधी लाइन,
फिर ये लाइन, ये क्या बन गया हमारा वन। फिर हमें यहाँ पे रबर दिख रहा है, रबर भी कितना है वन है, ये क्या हो गया वन। फिर हमें यहाँ पे वन की स्पेलिंग दिख रही है, वन की स्पेलिंग हमने क्या याद की थी, वन की स्पेलिंग हमने याद की थी ओ एन ई वन। या फिर क्या करने है, ये हो गया ओ, ये हो गया एन और ये हो गया ई। ओ एन ई क्या हो गया हमारा वन। फिर वन को हम जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हमें वन अम्ब्रेला दिख रहा है, फिर यहाँ पे वन बना हुआ है, तो ये सब क्या है वन है। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, इस लेसन में हमने सीखा कि वन क्या होता है, जैसे वन क्लाउड वन स्टार वन सन होता है। फिर वन की स्पेलिंग, वन की स्पेलिंग क्या थी, वन की स्पेलिंग थी ओ एन ई वन। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बनाना है, हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी हमें पसंद है हम वो बना देंगे। जैसे मैंने स्टार बनाया है, आप कुछ भी बना सकते हो। फिर हमें इधर ऊपर दिखाया गया था कि वन टेडी है, वह एक बॉय है, एक गर्ल है, तो ये सब क्या है, ये सब वन के एग्जांपल है। फिर कार है, कार भी क्या है वन है। फिर वन की स्पेलिंग, वन की स्पेलिंग क्या थी ओ एन ई वन थी। तो ऐसे ही क्या किया हमने, अंडरस्टैंड एंड राइट वन, यानी कि वन को समझा और लिखने को सीखा। होप आपको ये वीडियो समझी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।